पता है मैंने कुछ टाइम पहले भी ये वीडियो बनाया है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी प्राइस कितनी थी। कितनी का मतलब अगर मैं बताऊं तो ये मैंने पहले वीडियो बनाया था 69 के आसपास इसका प्राइस था, और आज इसका प्राइस है 87 to 92, डिपेंड्स करता है आप कौन से फ्लोर्स पे लेते हैं। तो आज भी आपके पास मौका है। मैंने बताया बानेर एनेक्स महालुंगे में बन रही है, आप महालुंगे आकर देखो, पूरा महालुंगे चेंज हो गया। ऑप्शन आज है आपके पास, आज अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ खुद के लिए रहने के लिए भी देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज भी है इस प्राइस पॉइंट पे। आप मौका अगर आज नहीं लोगे तो ये मौका खो दोगे। कल शायद मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो बनाऊँ तो शायद इसकी प्राइस 1,17,00,000 रुपये, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ टाइम पहले मैंने 69-70 में बनाया, आज जो वीडियो बना रहा हूँ 87 to 92 लाख रुपीज़ का इसका 2 BHK का प्राइस है। स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ कैसा अपार्टमेंट है महालुंगे में, जिसको हम बानेर एनेक्स बोलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्रेंस पे ऐसी डोर आपको मिल रही है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, विद डिजिटल लॉक एले की, और फ्लैट के अंदर की ये है आपकी एंट्रेंस लॉबी। जो साइज आप देख रहे हो एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। होम ऑटोमेशन मिल रहा है आपको, मोशन सेंसर लाइट्स मिल रहे हैं यहाँ पे आपको, एंड ये आपने देख ली एंट्रेंस लॉबी। लॉबी के बाद आती है आपकी लिविंग स्पेस। घर खरीदने का ना कोई टाइम नहीं होता है, जितना जल्दी आपने खरीद लिया वो आपके लिए बेस्ट टाइम है, बिना सोचे विचारे। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिना कुछ सोचे विचारे ले लो, बट हाँ अगर घर आपको मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको खरीद डालो, क्योंकि वो महंगा होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया मैंने कुछ टाइम पहले इसका वीडियो बनाया 70 लाख रुपए में, आज इसकी प्राइस है 87 to 92 लाख रुपीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आज आप मिस करोगे तो शायद मैं 2-3-4 महीने या 5 महीने बाद इसका वीडियो बनाऊँ और आपको बताऊँ कि 1,17,00,000 रुपए इसकी प्राइस है। तो ये है आपकी लिविंग स्पेस उस प्रोजेक्ट का, एग्जैक्टली फर्निश करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारी चीजें लगाने के बाद यानी डनअप करने के बाद ऐसी स्पेस आपको मिलेगी। आप अंदर आए थे, आपको एंट्रेंस लॉबी मिली, लिविंग मिला, एंड यहाँ पे देखिए एक भगवान की, गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे आप बना सकते हो उन्हें छोटा सा मंदिर भी बना सकते हो, स्पेस है अच्छा खासा, ठीक है। एंड ये है आपकी डाइनिंग स्पेस, तो लिविंग एंड डाइनिंग एल शेप में आ रही है, 4 लोगों के लिए डाइनिंग लगाई गई है, अच्छी खासी शैंडलियर यहाँ पे लगाकर दिखाया जा रहा है आपको। एग्जैक्टली साइज मैं तो आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, बट हाँ मैं वापस बोलना चाहूंगा, अगर आपको बानेर एनेक्स में 2 BHK देख रहे हो, आपका बजट 87 to 92 लाख रुपीज के बीच है, तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एक फ्यूचरिस्टिक होम, बहुत अच्छी फ्यूचरिस्टिक होम। किस पर्पज से, आपके 2 पर्पज में बता सकता हूँ, एक तो आपको सेल्फ यूज के लिए आप देख रहे हो ना, तो यहाँ का जो लाइफस्टाइल है काफी अलग होने वाला है, और यहाँ का इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो यहाँ का एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ रेंटल एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसके साथ आपकी आ रही है बालकनी, मैं बताऊंगा लिविंग बालकनी। आइए, बेसिकली जो बालकनी ऐसी आने वाली है इनक्लोज्ड, ये साइज रहेगा एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इस तरीके से आप यू नो आप चेयर्स वगैरह लगा सकते हैं, टफन ग्लास आ रही है ऐसी रेलिंग, और ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम स्टार्ट हुआ नहीं था, जस्ट ये एक प्लॉट था, ठीक है। आज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, तो यही मैं कहता हूँ कि आप जब प्री लॉन्च में जो कोई प्रोजेक्ट ले लेता है ना, कोई भी अपार्टमेंट ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लोगों को लगता है कि नहीं यार कुछ दिख नहीं रहा है, बट जिस डेवलपर ने अच्छे खासे काम किए हैं, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया है, बहुत सारे अपार्टमेंट डिलीवर किए हैं, तो उनके साथ प्लीज़ जाए। और ये है आपके किचन स्पेस, तो प्लीज़ कम। अगर मेरे पुराने वीडियो देखें तो शायद नीचे मॉड्यूलर नहीं मिलेंगे आपको, ऊपर भी आपको क्लोज कैबिनेट्स नहीं मिलेंगे। ये आपको आ जा रही है अच्छी खासी ग्रेनाइट की प्लेटफॉर्म, चौड़ाई बहुत अच्छी है, सिंक अच्छी क्वालिटी की है, नीचे आपको क्लोज कैबिनेट लगाए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट लगाए गए हैं, साइज ऐसी है। एंड यहाँ पे आ रही है आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस स्मार्ट स्विचेस के साथ। अब मैं दिखाऊंगा इसका आपको अटैच बालकनी, बेसिकली ड्राई बालकनी। ड्राई बालकनी में आने के लिए आपको 3 ट्रैक में आपको ग्लास डोर मिल गए, इस तरीके से आप कर सकते हो ताकि एक साइड में आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे आ रही है एक और सिंक आपको मिल जा रही है, अगर आपको चाहिए तो गंदे बर्तन यहाँ भी धो सकते हो। एंड ये स्पेस है, यहाँ पे आपकी आ जाएगी वॉशिंग मशीन, पॉइंट्स एंड टैप्स दिए गए हैं, क्लॉथ हैंगर यहाँ पे आ जाएंगे, एंड इस तरीके से आपको वेंटिलेशन आपको मिलेगा आपके एक्चुअल फ्लैट में भी। ये एक सैम्पल फ्लैट का टूर है, बट एक्चुअल फ्लैट भी ऐसा ही होने वाला है आपका।
आप किचन से निकलते हो, आपकी डाइनिंग के सामने आ रही है आपकी बेडरूम नंबर वन। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि आप जब से किचन के सामने कोई आपको वॉशरूम नहीं मिला है, ठीक है, आपको आपके बेडरूम के सामने कोई वॉशरूम नहीं मिल रहा है, आपकी डाइनिंग आ रही है, आइए बेडरूम नंबर वन। बेडरूम नंबर वन आप देख रहे हो तो ये बेसिकली किड्स के लिए डिजाइन किया गया है, अच्छी खासी बेड, बट यू नो यहाँ पे बड़े लोग भी यहाँ पे सो सकते हैं, किंग साइज की बेड है, वार्डरोब आ गई इस तरीके से। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इसकी डेप्थ अच्छी खासी है लाइक दिस। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए ऊपर कैसा है ना, थोड़ा सा ऊपर पूरा नहीं लिया गया, हाफ मतलब हाफ तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा स्पेस हो रहा गया, तो ये लॉफ्ट भी बन जाती है आपकी। फैन इस तरीके से आपके राइट हैंड साइड में आपको वेंटिलेशन पर्पज से आपको विंडोज दी गई है जो तीन ट्रैक में है, दो ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश एंड सेफ्टी ग्रिल्स इस तरीके की है। इसकी 100 ईयर्स की वारंटी होती है। आप बेडरूम नंबर वन से जैसे आते हो तो ये आपको मिल जाती है आपकी एक पैसेज स्पेस, पैसेज एरिया, ठीक है। यहाँ पे आ रही है आपकी कॉमन वॉशरूम। बेसिकली यहाँ पे आपको मोशन सेंसर लाइट्स दिए गए हैं। अभी वीडियो के माध्यम से कैसा है, मेरी कदम वहां पे पड़ी तो यहाँ का लाइट जल गए, ठीक है। आप अगर आएंगे तो ये कैसा ना आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे, शायद वीडियो में पता ना चल पाए। ये है आपकी शावर सेक्शन, कमोड, वॉश बेसिन। इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपकी जो टाइल लगाई गई है ऊपर तक है तो आपकी सीलिंग नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की आपको डोर्स दिए गए, क्वालिटी वाइज अच्छी है और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेम कलर सेम टेक्सचर में दिए गए हैं तो काफी अच्छा लगता है। ये है आपकी बेडरूम नंबर टू। आइए ये है आपकी बेडरूम नंबर टू। एग्जैक्टली इसकी साइज स्क्रीन पे दे दूंगा, किंग साइज की बेड आ रही है, अच्छी खासी इंटीरियर किया गया, सामने आपकी टेलीविजन आ जाएगी, मिरर वगैरह लगाए गए हैं। आपके राइट हैंड साइड में अगर मैं दिखाऊं तो ये है आपकी वार्डरोब। अगेन पूरा कवर नहीं किया गया है, थोड़ा सा छोड़ा गया तो ऊपर आपकी लॉफ्ट भी बन जा रही है, साइज अच्छी खासी है इसकी बेसिकली। और अगर आप घर लेते हो तो आप क्या लगाओगे, जो सैंपल फ्लैट में चीजें दी गई ना यही लगाओगे। ये लगाने के बाद भी आप स्पेस देखो कैसा लग रहा है, सामने आपकी टेलीविजन आ जाएगी, टेलीविजन यूनिट आ गई है। अब मैं दिखाता हूँ इसके साथ अटैच बालकनी, बेसिकली मास्टर बालकनी भी इसको मैं कह सकता हूँ। तीन ट्रैक में डोर है, दो ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश। ये है आपकी अटैच बालकनी, ऊपर से इंक्लोज है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, हर बालकनी के ऊपर बालकनी होगी, टफन ग्लास, अच्छी खासी आपकी रेलिंग आ जा रही है। इसकी साइज में आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूं इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, प्लीज कम। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा कि मेरे आने के बाद ये लाइट ऑन हुई है तो इसके सामने आ जाती है आपकी वॉश बेसिन, कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। साइज एग्जैक्टली स्क्रीन पे दे दूंगा, कहीं पे भी हॉचपॉच नहीं है, वेट एंड ड्राई एरिया अलग कर दिया गया है। कॉमन वॉशरूम में भी सेम ऐसा ही था, कुछ चीजें होती है, कई सारी बारीकियां होती है जो मैं शायद वीडियो में कवर ना कर पाऊं, लेकिन अगर आप आओगे तो मुझे बताने में काफी अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज, ये अगर आप देख रहे हो बानेर सेक्शन में या पुणे वेस्ट में, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है 2BHK का। 87-92 लाख रुपीज का प्राइस है, 776 का कारपेट है और एक अच्छा लोकेशन है जिसका फ्यूचर काफी अच्छा है। अब फ्यूचर क्यों अच्छा है, स्क्रीन पे नंबर दिए गए, आप अगर जाकर कॉल करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।